आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज इतिहास की। मैं आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज ला रहा हूं। 1 जून से एक तो नया चैनल शुरू होगा सिद्धांत अग्निहोत्री शॉर्ट्स के नाम से। दूसरा, मैं अब बहुत सारे स्टैटिक टॉपिक्स लाऊंगा, इन्वेजन सीरीज में लाने वाला हूं, और इसकी शुरुआत मैं आज से ही कर रहा हूं। किताबों का जो रिव्यू बंद हो गया था, हफ्ते में 2 किताबों का रिव्यू आएगा। भागवत गीता चालू हो गई है और बहुत कुछ होने वाला है दोस्तों। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूं महमूद गजनी वर्सेस महमूद घोरी। हम बात करेंगे दोस्तों इस्लामिक इन्वेजन ऑफ इंडिया की, बहुत अभी चल भी रहा है। कितने मंदिर तोड़े गए, क्या हुआ, क्या रूल वाकई में इनका खराब था या बहुत ही क्रूर था, ये सब हम इस सीरीज में जानेंगे। तो ये पहले हम शुरू करेंगे यहां से, और उसके बाद चलते चलते हम आएंगे स्लेव डायनेस्टी पे। पूरा ये 500 साल का सफर हम तय करेंगे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं, 1206 से 1290, उसके बाद 1290 से लेकर 1320, ये आपकी स्लेव डायनेस्टी है, ये आपके खिलजीज है। देन 1390 से 1413 तक ये तुगलक्स है। देन आपका सईद, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। देन लोदीज के बारे में बात करेंगे 1413 से लेकर 1453, लोदीज के बारे में बात करेंगे 1453 से लेकर 1526, और फाइनली हम बात करेंगे मुगल्स, ठीक है, मुगल्स के बारे में 1526 से लेकर 1857। तो इन सबके बारे में बात करेंगे। अब देखिए एक एक ही लेक्चर आएंगे, टोटल 6 लेक्चर होंगे लेकिन बड़े होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे महमूद गजनी और महमूद घोरी से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले शुरू करें दोस्तों, आज और कल आखिरी डेट है, एनसीईआरटी पॉलिटी की लाइव क्लास 1 जून से शुरू हो रही है। तो आज और कल ये 2 दिन सेल का लास्ट डे है। एनसीईआरटी कूपन कोड यूज करिएगा, आपको एक्स्ट्रा 25% ऑफ मिलेगा। कंबाइंड एनसीईआरटी लीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे एनसीईआरटी अपडेट होंगे ना, वैसे वैसे प्राइस बढ़ेंगे। अब जाके एनसीईआरटी से अपडेट हो रही है, मैं पूरे स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और आप सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, टेस्ट सीरीज बहुत कुछ होगा। तो फटाक से एनसीईआरटी को अवेल करिए, कल रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। और हमारा मोटिवेशन कोर्स तो चालू है भाई, जरूर लो, मजा आ जाएगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बेसिकली वो कोर्स है। तो देखिए बात हम यहां पे कर रहे हैं किसकी, महमूद ऑफ घोरी और महमूद ऑफ गजनी की। इस्लाम की स्थापना हुई कब, 632 एडी में। सबसे पहले कौन सा धर्म था, देखिए इब्राहिमिक और नॉन इब्राहिमिक रिलीजन है, ठीक है। इब्राहिमिक रिलीजन में सबसे पहले आता जुडाइज्म, ज्यूज, ठीक है, देन आपका क्रिश्चियनिटी, और फिर आता है आपका इस्लाम 632 एडी में, यानी कि आज से 1400 साल पहले। नॉन इब्राहिमिक रिलीजन में हिंदुइज्म आ गया, आपका जैनिज्म आ गया, बुद्धिज्म आ गया, सिखिज्म आ गया, ये ठीक है। तो यहां से हम शुरू कर रहे हैं, 632 एडी में इस्लाम की स्थापना हुई, प्रॉफेट मोहम्मद ने जन्नत का रास्ता तय किया। उसके बाद प्रॉफेट मोहम्मद का सक्सेसर होगा कौन, इसमें लड़ाई छिड़ गई, शिया और सुन्नी बन गए। देन उसके बाद खलीफा है, कैलिफेट्स, 4 कैलिफेट्स। इसी दौरान 732 मतलब 100 साल पहले बाद, 632 के बाद आसपास 8th century में आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम का। ये पहला इस्लामिक सोल्जर था जिसने भारत को इन्वेड किया। तो भारत को पहली बार इन्वेड किया गया 8th century के आसपास, ठीक है। अब देखिए इन्वेजन हुआ, यकीनन हुआ, लेकिन भारत देखिए होता क्या ना, कि जब आप बहुत समृद्ध होते हो, जैसे मान लीजिए कि आप शहर में बहुत समृद्ध हो, अगल बगल गरीब लोग रहते हैं, और आप BMW खरीद रहे हो, आप बंगले बनवा रहे हो, तो लोगों को जलन होगी और वो आप पे अटैक करेंगे। ऐसे ही था भारत, भारत एक सोने की चिड़िया था, भारत फल फूल रहा था, और यही रूलर्स की बहुत बड़ी गलती थी। क्यों गलती, क्या गलती थी, दो, एक तो भारत इतना ज्यादा समृद्ध था क्योंकि भारत ने कभी इन्वेजन देखा ही नहीं, जहां पोरस जैसे महान राजा हुए जिन्होंने अलेक्जेंडर तक को लगभग हरा दिया था, जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे इतने शानदार राजा हुए हो, चाणक्य जैसे गजब के टीचर्स हुए हो, वहां कौन इन्वेड कर सकता, आप मुझे बताइए, किसी की औकात है, नहीं, भगा भगा के मारा था। 1000 सालों तक भारत ने इन्वेजन का नाम भी नहीं सुना था, भारत इन्वेड करता था जाके बाहर। समझिए कि अगर अशोक धर्म का रास्ता नहीं अपनाते तो यूरोप तक जीत लेते, धम्म महामात्रा, जहां जहां भी बुद्धिज्म है वो अशोक की ही देन है।
तो आप समझिए कि सम्राट अशोक बहुत जबरदस्त लीडर, और भारत ने कभी विजन नहीं देखा। तो एक टाइम ऐसा आया कि जब भारत के रूलर्स बहुत घमंडी भी हो गए थे कि हमको कौन ही हरा सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि भारतीय रूलर्स ने बाद में सेना इतनी जबरदस्त नहीं बनाई, बनाई लेकिन कहते ना कि प्रॉपर स्टैंडिंग आर्मी, और फिर जो क्या कहते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए वो नहीं थी। तीसरा यही पॉइंट, यूनिटी नहीं थी, भारत बटा हुआ था। और जब भी आप बटेंगे बाहर वाला इन्वेड करेगा ही, तो एक तो आप अमीर हो, इतने ज्यादा पैसा है आपके पास, दूसरा आप यूनाइट नहीं हो, तो बाहर वाले के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, जब 732 के आसपास आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, अगले 350-250 सालों तक किसी ने भारत के ऊपर आंख उठा के नहीं देखी। आपको पता है आक्रमण हुआ, ये कोई आपको बताएगा नहीं, ये पता नहीं क्यों नहीं। इतिहास जो है ना भारत का बहुत ही जबरदस्त रहा है, और ये बोलते हैं ना 500 साल तक इस्लामिक रूल, वो भी गलत है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत ही शानदार है। बट इतिहास को हमको इतिहास के हिसाब से ही देखना चाहिए। अगर आप इतिहास में चेंजेस करने की कोशिश करेंगे ना, वो बहुत गलत है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और आज के जो, तो उसको तो उससे थोड़ा सा निकाले, पढ़े, वो बहुत जरूरी है। तो अब ये चीज है, मेन जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे मेन जो आक्रमण हुआ। अब उसके बाद आया महमूद ऑफ गोरी, और महमूद ऑफ गोरी जब आया तभी भारत में इस्लामिक रूल एस्टैब्लिश हुआ। लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस 150 सालों का था, 150 सालों तक। 1024 महमूद ऑफ गजनी ने सोमनाथ को, 1024 में सोमनाथ को इन्वेड किया। सोमनाथ जहां पे ज्योतिर्लिंग, अभी मैं गया था, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है भाई, ज्योतिर्लिंग, कितने ज्योतिर्लिंग आपके हुए, मेरे 2-3 बचे हुए। तो 1024 में सोमनाथ को जब गुजरात पे अटैक किया, फिर कच्छ गया, भीम फर्स्ट जो है उनको हराया, तो 17 से ज्यादा बार महमूद ऑफ गजनी ने इन्वेड किया। लेकिन उसके बाद 1180 के आसपास इन्वेजन होता है, 150 साल तक कुछ नहीं। अब आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, महमूद ऑफ गजनी 1024 में आया, आज से 1000 साल पहले, और उसके बाद जो अगला अटैक होता है वो 150 साल बाद होता है, महमूद ऑफ गजनी तो जीत के गया था, फिर अटैक क्यों नहीं हुआ? वही मैं आपको बता रहा हूं, गजनी के बाद इनके जो भैया भतीजे दीजे थे, इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी भारत में। भारत में थे राजा सुहेल देव, और राजा सुहेल देव ने इतना बुरी तरीके से मारा था गजनविद्स को, इतने समझ लीजिए लटका दिया था, इतना बुरी तरीके से मारा था कि अगले 150 सालों तक ये लोग डरते थे भारत के नाम से, कांप जाते थे ऊपर से नीचे तक कि भाई नहीं जाना है वहां पे। तो इसीलिए 150 सालों तक अटैक नहीं हुआ। फिर उसके बाद अफगानिस्तान, देखिए पूरा का पूरा जो रीजन है ना अफगानिस्तान, देखिए महमूद ऑफ गजनी पे हम आते हैं, महमूद ऑफ गजनी जो है, ये जो अफगानिस्तान का रीजन है ना, ये बटा हुआ था, ठीक है, ये बटा हुआ था, और जो इसको एक करेगा, कोई भी रीजन को अगर एक करता है वही राजा कहलाता है। वो सबसे पहले गजनी ने किया। गजनी एक जगह है, गजनी, घोरी, ये घोर, ये सब एक जगह है अफगानिस्तान की, जहां से आए हैं वहीं से इनका नाम पड़ा है, समझ रहे हो? तो दोनों में जरा हम सिमिलैरिटीज देख लेते हैं कि सबसे पहले दोनों ही गजनी से आए, घोरी और महमूद ऑफ गजनी तो आए ही गजनी से, नाम ही उसके, और ये भी घोरी भी यहीं से आया, ठीक है, दोनों ही टर्किश इन्वेडर थे, ऑर्गुस, ठीक है, टर्किश ट्राइब, दोनों ही टर्किश इन्वेडर्स थे, देवर बेसिकली टर्क्स, ठीक है, ये दोनों ही ने वेल्थ, या देखिए देखिए दोनों ने वेल्थ ऑफ इंडिया को प्लंडर किया। महमूद ऑफ गजनी के आने के 2-3 रीजन थे, ठीक है। सबसे पहले महमूद ऑफ गजनी, जब इसने पूरे 998, अभी मैं आपको बताऊंगा, 998 एडी में जब इसने गजनी रीजन पे अपना कब्जा जमाया, तो ये राजा है, ठीक है, तो इसको अपनी अथॉरिटी तो दिखानी है। दूसरा पॉइंट, पहली बात तो ये एम्परर भैया, राजा का वर्चस्व। दूसरा पॉइंट क्या है कि इस्लाम का भी तो प्रचार प्रसार करना है। महमूद ऑफ गजनी जो है वो काफी एक्सट्रीम था, यस, वो बहुत ही कट्टर था, वो आइडल वर्शिप, इस्लाम में आइडल वर्शिप नहीं है, मूर्ति पूजन है नहीं, तो वो जहां पे उसने देखा उसने सारे मंदिर तोड़े। तो महमूद ऑफ गजनी बहुत ही एक्सट्रीम था, बट एक बहुत ही एबल कमांडर था। महमूद ऑफ गजनी के बारे में कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि दूसरे के लिए बहुत खतरनाक था, लेकिन अपने लोगों के लिए वो बहुत इंसाफ परस्त था, या बहुत ही एबल कमांडर था, तभी तो वो हारा नहीं भाई। जो अच्छाई है वो है कमांडर, कमांडिंग स्किल्स बहुत तगड़ी थी इसकी। क्यों तगड़ी थी, आप एक बात बताइए कि एक, आप जैसे दो लोगों की लाइफ है, दो की जिंदगी है, एक इंसान जो है वो बहुत ही मुश्किलों में पला बड़ा है, उसने बचपन से ही
मुश्किलें देखी है, लड़ाई झगड़ा देखा है, दूसरा इंसान बहुत ही ऐशो आराम से पला पड़ा, उसको सारे ऐश मिल रहे हैं, जो चाह रहा है, पापा BMW आ रही है, पापा बंगला चाहिए, बंगला दे दिया, जेट चाहिए, लंदन जाना है वो, तो मुझे आप बताइए कि जब मुसीबत पड़ेगी तो एक इंसान जो बहुत ही मुसीबतों में पला पड़ा है वो अच्छे से डील करेगा कि बहुत ही आलीशान वाला इंसान जो बहुत ही मुसीबतों में है वो अच्छे से डील करेगा? यही बाबर के साथ हुआ। बाबर ने बचपन से ही भाई युद्ध लड़ने शुरू कर दिए थे 16 साल की उम्र से ही, और यही महमूद अफ गजनी के साथ हो, क्योंकि पूरा का पूरा एरिया डिस्प्यूटेड था, तो कमांडर तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन महमूद अफ गजनी काफी एक्सट्रीम था, घोरी इतना एक्सट्रीम नहीं था। महमूद अफ घोरी जो है वो जब वापस गया तो उसने जो राजपाट है ना वो हिंदुओं को ही सौंप दिया कि तुम्हारे बिना नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, अगर हिंदुओं का सपोर्ट नहीं हो तो क्या चल सकता था ये रूल? नहीं चल सकता था। दूसरा पॉइंट ये है जो भारत की वेल्थ, भारत जैसा कि मैंने बताया सोने की चिड़िया था, तो दोनों की ही जीभ लटक गई, और इधर सब गरीब भूखे फक्कड़ सब, क्योंकि पैसे ही नहीं इन लोगों के पास। तो वही मैंने बताया ना कि जब आप इतने अमीर होते हो तो आपको, और अगल बगल सब गरीब है तो सब आएंगे आपके पास आपको लूटने। यही हुआ, ये लूटने आए कि अरे भारत सोने की चिड़िया है, चलो लूट के ले जाते हैं। भारत इतना डेवलप कर रहा था कि पूरी दुनिया में कोई डेवलप नहीं, रूलर था, रूल कर रहा था वर्ल्ड को, तो आए सब लूट के ले गए। अब गजनी जो है उसका कोई इच्छा नहीं थी, उसको पता था कि भाई देखो पहले अपने देश को तो संभाल लें, जो हमने अभी गजनी बनाया है, गजनवी एम्पायर की स्थापना की है, पहले उसको संभाल लें, भारत में बाद में देखेंगे। तो गजनी जो है वो ऐसा नहीं है कि रूल करने की मंशा से आया, वो आता था फिर चला जाता था, फिर रेड मारता था, फिर जहां पैसे खत्म हुए भारत के पास आ जाता था, भारत एक बैंक की तरह उसने देख लिया था। लेकिन घोरी का साफ मंशा थी कि दिल्ली की सल्तनत हमारी होनी चाहिए, कब्जा करना है हमको, ये बार बार आना जाना नहीं। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद नॉन मुस्लिम्स बिल्कुल एट्रोसिटीज तो हुई, गजनी ने मारा जो जिस जगह जो जगह को जीतता था, दो तीन दिन बाद सब साफ कर देता था, सबको मरवा देता था, गले कटवा देता था। घोरी के साथ भी है सेम। आर्चर्स, ये इनके जो आर्चर्स थे भाई गजब के थे, मंगोल टेक्निक्स, ठीक है। ये ट्राइब्स जो है ना, इनका सबसे बड़ी जो बात थी, एक तो घोड़े, घोड़े बहुत ही उच्च कोटि के, और यही जो थी, यही जो कैवलरी थी, ये इनको जिताने में मदद करती थी, और इनके जो धनुष थे ना, धनुष बाण, वो बहुत ही छोटे और सटीक होते थे, बहुत ही तेज जाते थे, ठीक है। भारत के पास थे एलिफेंट्स, हाथी। अब एलिफेंट्स दो चीजें करेंगे, या तो बीच का कुछ नहीं, या तो आपको या तो आपको युद्ध जिता देंगे या हरवा देंगे, बीच का कुछ है ही नहीं। क्योंकि यहां पे भी अगर आप युद्ध देखें ना, तो भारत वॉर एलिफेंट्स की वजह से हरा, वॉर एलिफेंट्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, तो या तो वो जितवा देंगे आपको या तो वो हरवा देंगे, ये चीज है। उसके बाद वही है कि फेयर और फाउल टू विन अ वॉर। देखिए भारतीय जो थे, हम लोग जो थे, हम लोग एथिकल थे। जब महमूद अफ घोरी आया 1191 में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन लड़ी गई, तो महमूद अफ घोरी को पृथ्वीराज चौहान खत्म कर सकते थे, खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला ये युद्ध नीति के खिलाफ है, नहीं करेंगे। अब देखिए अलग अलग अकाउंट्स हैं, लेकिन महमूद अफ घोरी को छोड़ दिया एक तरीके से कि जाओ, बख्श दिया तुमको। सुबह से शाम तक युद्ध लड़ते थे, रात को नहीं लड़ते थे ये लोग, ना रात ना दिन, बस जीतने से मतलब है, एंड डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, दैट्स इट। हमको जीतना है कैसे भी जीते, तुमको मार के जीते, धोखा दे के जीते, षड्यंत्र रच के जीते, बस जीतने से मतलब है, ये चीज है। और उसके बाद जिहाद तो दोनों ने ही फैलाया। अगला जो रीजन था ना जिहाद, वही जैसा कि मैंने बताया कि इस्लाम, ठीक है, इस्लाम हमको फैलाना है कुछ भी करके। ये अफगानिस्तान का रीजन है, ये है गजनी एरिया, और ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना, ये अफगानिस्तान, ये महमूद अफ गजनी ने इस, क्योंकि अलग अलग बटा हुआ था। अब देखिए इतना इसमें, वैसे मैंने इनके किताब का रिव्यू किया, देख लीजिएगा, लेकिन ये जो गजनी वाला एरिया बहुत बड़ा है, इसमें प्रॉब्लम थी, स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली हम ये देखते हैं कि गजनी वाला जो एरिया है ये महमूद अफ गजनी ने जीता, ठीक है। लेकिन आप एक एक करके महमूद अफ गजनी, मतलब पहले महमूद अफ गजनी को देखते, फिर महमूद अफ घोरी को देखते, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि ये एरिया तो जीत लिया, लेकिन इनके पास पैसा नहीं था इतना चलाने के लिए, तो उसके लिए भारत है। अब अगर बात करते हैं तो जो एस्टैब्लिशिंग ऑफ द मुस्लिम रूल, ये इन्हीं के टर्क्स को ही जाता, महमूद अफ गजनी को। अल्पदगीन जो है, दैट इज वॉज द स्लेव ऑफ समानित किंग, समानित राजा, बड़ी भाई बहुत दिक्कत थी, ठीक है। मैंने बताया कि यहां पर समानित और पी डायनेस्टीज जो थी
ट्राइब्स थी यहां पे थी, इसको यूनाइट किया अल्पतगीन 963 में गजनविद डायनेस्टी, किसने स्थापना की, ठीक है। इसका बेटा था सुबुतगीन, सुबुतगीन के दो बेटे थे, और जो छोटा बेटा था उसका नाम था महमूद ऑफ गजनी, बड़ा बेटा था उसका नाम था इस्माइल। अब देखिए बच्चों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में गद्दी की टसल चलती थी, गद्दी मिलना और डेंजरस, तो इस्माइल को गद्दी मिली। सुबुतगीन ने अपने बड़े बेटे इस्माइल को गद्दी दी, जो छोटा बेटा था महमूद ऑफ गजनी, ठीक है, ओवरथ्रो कर दिया, तख्ता पलट कर दिया, अपने दूसरे भाई की मदद ली और महमूद ऑफ गजनी को हटा दिया, ये इस्माइल को हटा दिया। तो पूरा का पूरा राजपाट किसके पास आ गया, महमूद ऑफ गजनी 998। अब जब इसके पास पूरा राजपाट आया, ये राजा बन गया, रूलर बन गया, तो इसको और इसने सबको हराया। 3 साल तक जितने भी लोग थे, जितने भी जो छोटी छोटी ट्राइब्स थी ना, उन सबको हराया और सबको यूनाइट किया और बोला चलो भारत चलते हैं। अब भारत भाई, ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है समझिए, ठीक है, ये मुल्तान वाला, इधर लाहौर वाला, ये सब हिंदू शाही डायनेस्टी के पास था, बहुत ज्यादा जरूरी। जयपाल, राजा जयपाल तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब यहां से ही तो आप जाएंगे ना पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है वहां पे होते हुए अब भारत को इन्वेड करोगे। तो इसने ये बोला कि बस भारत की तरफ चलो और एक एक करके आज का जो पाकिस्तान है, इनफैक्ट गुजरात तक पेनिट्रेट कर गया, उत्तर भारत के पेनिट्रेट कर गया। ये हर साल आता था, 1001 से लेकर 1024 तक, अगले 25 सालों तक इसने इन्वेड किया। भारत उस समय बटा हुआ था, भारत उस समय काफी ज्यादा बटा हुआ था, तो प्रॉब्लम, यूनाइट हम थे नहीं, राजाओं में दुश्मनी चल रही थी, जिसकी वजह से लगातार ये आया फिर गया, फिर आया फिर गया, ऐसा हिसाब किताब था। तो अब ये पहला टर्किश तो था ही, लेकिन जब भी ये गजना जाता था तो बहुत ही बड़ा वेल्थ लेके जाता था, इनॉर्मस वेल्थ लेके जाता था और लोगों में बांट देता था, तो लोग जो है वो और ज्यादा खुश, ये चीज है। अब जयपाल जो थे हिंदू शाही डायनेस्टी के, ये बहुत बड़े राजा थे, इनको जब हराया भाई, तो समझिए कि उस समय ये पूरा, ये जो पंजाब और ये इधर आज का पाकिस्तान ना, नहीं, इनके पास था। अब यहां पे इनके लिए ये बहुत एम्बैरसिंग था, ऐसा कैसे हो गया, मैं हार कैसे गया। इन्होंने इसलिए सुसाइड कर लिया। इनके बेटे आए आनंदपाल ने पूरी कॉन्फेडरेसी बनाई। आनंदपाल हर किसी के पास गए और बोला कि चलो भाई सब मिलके महमूद ऑफ गजनी को रोकते वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आनंदपाल ने युद्ध किया, लेकिन जीत रहे थे, बट अगेन सिंक्रोनाइज था नहीं। होता क्या है कि जब भी आप बहुत सारी सेना को एक साथ लेके आते हो ना, तो सिंक नहीं बैठता है, मतलब पता चला आप एक डायरेक्शन में लड़ रहे हो, दूसरी सेना दूसरी डायरेक्शन में लड़ रही हो। सेना का संतुलित होना बहुत जरूरी है, अलाइनमेंट होना सेना का बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑर्डर दो तो सब फॉलो करें, लेकिन आप तो उस सेना के साथ लड़ रहे हो जो कल ही आपने एग्रीमेंट पे साइन करके अपने साथ लेके आए हो, तो आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, साथ में नहीं, वो अलग तरीके से लड़ेगी, आप अलग तरीके से लड़ोगे, ये भारतीयों के खिलाफ गया, समझ रहे, ये चीज है। तो जयपाल जो है, जो हिंदू शाही डायनेस्टी के थे, उनको हराया, फिर इनके बेटे को हराया आनंदपाल, नागरकोट, देन चांडेल्स, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सब जगह जीता। जाटों से भी जो ये महमूद ऑफ गजनी है उनके पास भी गया, जाटों के पास। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले फ्रंटियर टाउन्स, इधर पाकिस्तान के, आज का जो पाकिस्तान है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उसके छोटे छोटे शहर को जीता। पेशावर बहुत इंपॉर्टेंट शहर होता था, पेशावर एक दरवाजा था भारत में आने के लिए, तो पेशावर, यहीं पे ही जयपाल से लड़ाई हुई थी, ठीक है। अब वहां पे क्या हुआ कि जयपाल हार गए, अब बहुत ज्यादा, फिर जयपाल ने बदला लेने की कोशिश की लेकिन फिर हार गए। फिर उसके बाद भाटिया 1004 में, मुल्तान 1006 में, अगेन ये देखिए पेशावर और मुल्तान का जाने का मतलब ये था कि ये पूरा का पूरा इनके पास से गया, यानी कि आज का मतलब जो पाकिस्तान है वहां पे पूरा जो रूल हो गया था वो गजनवी का हो गया था, गजनवी एंपायर वहां पे आ गया था। अब महमूद ऑफ गजनी वापस चला जाता था, तो यहां कोई ना कोई रूल करने के लिए चाहिए, तो वो सौंप देता था
वैशाल से जो थे वो बुद्धिज्म जैनिज्म को बना देता था, बुद्धिस्ट जैन्स कि जाओ मेरे नाम पे तुम रूल करो, लेकिन नाम तो उसका अच्छी खासी वेल्थ जाती थी भाई, ठीक है। देन उसके बाद नवासा, नागरकोट, अगेन आनंदपाल, लेकिन ये जो थानेश्वर, ये थानेश्वर भाई आज का जो हरियाणा है, ये जो थानेश्वर 2014 में यहां जो बैटल हुई ना, बहुत ही डिसाइडिंग बैटल थी। इसमें आनंदपाल ने पूरी कॉन्फेडरेसी बनाई बट हरा नहीं पाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मथुरा, जब मथुरा और कन्नौज, कन्नौज के लिए भाई, कन्नौज जैसे आज का दिल्ली चेन्नई है ना, आज का न्यूयॉर्क है, वैसे उस समय भारत का कन्नौज था। अभी हम बात करेंगे कन्नौज की भी। तो 2018 मथुरा में, 2018 जब ये जो आक्रमण हुआ ना, ये बहुत ही ब्रूटल था। इसमें बहुत सारे मंदिर तोड़े गए, सब कुछ खत्म कर दिया यहां पे, समझिए। देन ग्वालियर, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया 2025 में, जाट रिबेलियन, ये सब हुआ। तो इसने इतने सारे हमले किए, इतने सारे, उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इनको लगा वहां पे जो गजनवी थे कि भाई देखो महमूद अब गजनी तो चला गया है, तो अब जो इन्होंने किया वही हम रिपीट करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजा सोहेल देव आए, उनके समझ गए थे कि भाई ऐसा नहीं होगा और सबको एक लेके आओ। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इतना तगड़ा वार किया कि अगले 150 सालों तक हिम्मत नहीं हुई किसी की भारत आने की, हिम्मत नहीं, सब डर के मारे भाग गए। और जहां पे रूल भी था ना पंजाब, और इधर थोड़ा इधर ईस्टर्न पंजाब में जहां पे रूल भी था, वो भी चुप बैठ गए एकदम, कि चुपचाप बैठना, आओगे तो बहू मारेंगे, ये हिसाब किताब था। अब आता है महमूद अफ गोरी। देखिए महमूद अफ गोरी भाई, देखिए महमूद अफ गजनी, अगले 150 सालों तक तो कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि मैंने बताया था। अब गजनी जो है, गजनविद, ये अफगानिस्तान में फैला हुआ है। महमूद अफ गोरी ने क्या किया, देखिए जैसा गजनी के साथ हुआ, उसके भाई को हटाना पड़ा, इस्माइल को हटाना पड़ा। यहां पे जो भाई थे वो बहुत ही अच्छे थे, दोनों भाई एक दूसरे की जान। महमूद अफ गोरी का जन्म 1150 में हुआ, हालांकि एग्जैक्ट डेट तो इसकी आप नहीं समझ सकते। तो महमूद अफ गोरी जब जन्मा तो, और इसका भाई, महमूद अफ गोरी का एक्चुअली नाम था मुइनुद्दीन और इसके भाई का नाम था घियातद्दीन। तो ये दोनों भाई बहुत तगड़े से लड़ते थे, बहुत तगड़े से, समझ रहे हो, एक दूसरे का सपोर्ट थे। अब सबसे पहले इनके पास ये टास्क था कि जो गजनविद्स हैं उनको हटाओ, सबसे पहले तो अफगानिस्तान से इन सबको बाहर फेंको। तो इन्होंने गजनविद्स को हटा के अपनी डायनेस्टी घुरीद की स्थापना की, समझ रहे हो। और देखिए उस समय गजनविद जो था ना, गजनविद एम्पायर बहुत ही अपने उस पे था, निचले चरण पे था, वो अपने लोएस्ट फेज में था, क्योंकि रूलर कुछ बचे नहीं थे और जो रूलर भी थे वो भी अय्याश टाइप के। तो बहुत ही बढ़िया मौका था, खत्म करो और उखाड़ के फेंको। तो गजनी को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद घुरीद एम्पायर की स्थापना होती है। अब देखिए हुआ क्या कि महमूद, जैसे महमूद अफ गजनी था, महमूद अफ घुरी भी भारत में आया, ठीक है। अब उस समय भारत पूरी तरीके से, जैसा कि मैंने बताया, डिवाइडेड था भाई, उधर साउथ में चालुक्यास, इधर एक्सट्रीम साउथ में आज का तमिलनाडु, पूरा चोलाज रूल कर रहे थे। और जैसा मैं कन्नौज आपको बताता था, भारत में बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही थी, कन्नौज में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रही थी, पालास, राष्ट्रकतास और गुर्जर प्रतिहार्स के बीच में, इन तीनों के बीच में कन्नौज के शहर के लिए ऑलरेडी स्ट्रगल चल रही थी कि कन्नौज को कौन रूल करेगा। पालास जो इधर वेस्ट बंगाल का पूरा आज का जिले पालास के पास था, ये इधर राष्ट्रकटास जो है वो सेंट्रल इंडिया को रूल कर रहे थे, बहुत ताकतवर, गुर्जर प्रतिहास पूरा नॉर्थ इंडिया, इन्हीं के ही वैसाल थे कौन, चाहमांस। लेकिन धीमे धीमे चाहमांस के पास पूरा नॉर्थ आ गया, बगल में गडलवास थे, ठीक है, चाहमांस और गडलवास की बनती नहीं थी। प्रॉब्लम यह है ना कि आपसी रंजिश, ये कोई इन्वेड नहीं कर पाते, ये कोई इन्वेड नहीं कर पाते, लेकिन आपसी रंजिश, अच्छा उसने मुझे हराया उसकी मदद करने नहीं जाऊंगा, ये भारत के लिए बहुत भारी पड़ गया। पृथ्वीराज चौहान सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में समझ गए थे कि बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है, वो सारे राजाओं के पास गए, बोला कि हमको साथ में आना पड़ेगा, लेकिन एंड वक्त पे कुछ राजा पीछे हट गए, यही दिक्कत हुई। और बाद में क्या हुआ, जो राजा पीछे हट गए थे बाद में महमूद गोरी ने उन्हीं को ही खत्म किया, ये रहा है हमारे बहुत बड़ी एक कमजोरी। तो अब देखिए महमूद अफ गजनी जो था वो भाई हारता नहीं था, वो हारा नहीं, इसने हार नहीं देखी थी, लेकिन महमूद अफ गोरी जो था वो हारा। वो जो है महमूद अफ गोरी की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो अपनी गलतियों से सीख लेता था, और जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है ना वो और खतरनाक होता है।
तो महमूद अफगोरी 1178 में आया, 1178 में आया, मुल्तान साइड आया, सिंध साइड आया, लेकिन फिर आगे ऊंचे तक जब बढ़ा हार गया, पहले जीता फिर हार गया। 1186 में अल्टीमेटली सियालकोट में उसने एक किले पे कब्जा किया, यहां जो जम्मू आज का जो जम्मू कश्मीर के वहां के जो राजा थे उन्होंने मदद की, और फिर हम ये देखते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के एरिया हैं उसने जीते, लेकिन 1187 आते आते जो ईस्ट पंजाब वाला एरिया है ना जो गजनवित के पास था वो इसने जीत लिया। अब जो वेस्ट पंजाब वाला एरिया है वो पृथ्वीराज चौहान के कब्जे में था, चाहमांस के कब्जे में था, वो इनका पूरा का पूरा, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होनी ही होनी है। और महमूद अफगोरी समझ गया था कि भाई कुछ भी करके हराना है, हम यहां पे लूटने नहीं आए हैं, हम तो तुम पे कब्जा करने आए हैं, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब थी। अब पृथ्वीराज चौहान भाई देखो जब आप एक्सपैंड करोगे ना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थी, ठीक है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा थी तोमर्स के बीच में, गडलवास के बीच में, जयचंद, तो भाई देखिए कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जो जयचंद थे उनकी बेटी थी उस समय कन्नौज के रूलर थे और उनकी बेटी थी संयोगिता। अब भाई पृथ्वीराज चौहान मूवी आई है उसमें भाई पृथ्वीराज चौहान 23 साल के नौजवान और बहुत ही बहादुर, लंबे चौड़े, देख के इंसान वाइब्रेशन मोड पे आ जाता था और बहुत ही शानदार रूलर। अब 50 साल के अक्षय कुमार ने पृथ्वीराज चौहान का रोल प्ले किया है, तभी तो मीम्स बन रहे हैं, क्या है यार। एनीवे, तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली और अजमेर पे पूरा रूल कर रहे थे। अब जयचंद्र जो थे कुछ हिस्टोरियंस का देखिए डिस्प्यूटेड है, हम इस पे क्लेम नहीं कर सकते, बट हां कुछ किताबों में ये है कि भाई जयचंद्र की जो बेटी थी संयोगिता उनसे पृथ्वीराज चौहान प्यार करते थे और उनके स्वयंवर से उठा के ले गए थे, अब उनकी मर्जी थी इसमें, तो जयचंद्र बहुत खफा थे पृथ्वीराज चौहान, तो भाई जयचंद्र का अगर सपोर्ट नहीं था तो आप जीत नहीं सकते, जीत सकते लेकिन मुश्किल होगी, अगर जयचंद आ जाते तो यकीनन जीत पक्की होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही बता रहे कि हमको तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था। तो अब हम ये देखते हैं कि इसमें पूरा भारत डिवाइडेड, इधर ईस्ट जो पंजाब है वो आ गया महमूद अफगोरी के कंट्रोल में, वेस्ट पंजाब जो है वो पृथ्वीराज चौहान के कंट्रोल में, लेकिन जो किले का उस समय देखिए जो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे ना वो फोर्ट्स होते थे, तो जो किले थे ना वो किसके कंट्रोल में थे, किले जिसके कंट्रोल में आ गए वो जीत गया, वो महमूद अफगोरी के कंट्रोल में थे, इधर ये आज का पाकिस्तान और वो पूरा का पूरा ईस्ट पंजाब वाला। तो अब हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान ने उन किलों को वापस ले लिया, तो महमूद अफगोरी का और दिमाग खराब, ये कौन है, महमूद अफगोरी ने बोला चलो कोई बात नहीं लड़ लो बेटा आके तुम लड़ लो। अब भैया लड़ तो लो लेकिन आप ये समझिए, ये देख सकते हैं ठीक है, मुल्तान पे इसने अटैक किया, फिर जो फोर्ट्रेस ऑफ ऊंच है उसको कब्जा किया, उसके बाद फिर ये आगे गया लेकिन ये हारा अहिल बाराज ऑफ गुजरात, लेकिन डिफीट 1178 में ही वाज एक्चुअली डिफीटेड बाय द अहिल बाराज ऑफ गुजरात, तो ये जीता नहीं, ये पहले जीतता था फिर हारता था, लेकिन ये जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है भाई, जब देखिए इसने क्या किया ना, ये पागल नहीं था, ये समझदार था, ये क्या करता था, किसी से हार जाता था या किसी से जीत जाता था तो ये थोड़ा सा नर्म था, ये उन्हीं को राजपाट सौंप देता था और बोलता था कि तुम एक काम करो, अगल बगल के जितने भी राजा है ना उनसे मेरी मीटिंग करवाओ और उनको फिर खूब अच्छी खासी वो पैसा देके या लालच देके ये एरिया जीतेंगे, इतना एरिया तुम्हारा, अपने साइड कर लेता था, ये महमूद अफगोरी ऐसा था। अब फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जब हुई भाई, अब देखिए क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट, सबसे बड़े राजा पृथ्वीराज चौहान थे, सबसे बड़े राजा, सबसे ताकतवर राजा। अब मीना सिराज ये कहते हैं कि भाई, हालांकि उनके अकाउंट थोड़े एग्जाजरेटेड लगते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ने सवाल उठाए, बट मीना सिराज का कहना है कि 3 लाख से ऊपर आर्मी थी पृथ्वीराज चौहान की और इनकी 1 लाख के करीब आर्मी थी, हालांकि इतनी आर्मी नहीं थी महमूद अफगोरी की, महमूद अफगोरी की और बहुत ज्यादा कम थी, 3000 से ज्यादा हाथी और सेना जो पैदल चला वो 1 लाख से ऊपर, कोई चांस ही नहीं था कि महमूद अफगोरी जीत जाए। दोनों के बीच में बैटल होती है 1191 में, थानेश्वर, बैटल ऑफ तराइन या जिसको थानेश्वर भी बोला जाता है, जो कि हरियाणा में ही आता है, और उसके बाद बैटल हुई तराइन में, दोनों लड़े। महमूद अफगोरी को समझ ही नहीं आया कि भाई हो क्या रहा है, किससे मैंने पंगा ले लिया है। इनके जो जनरल थे गोविंद राज, उन्होंने महमूद अफगोरी को बाकायदा दौड़ा लिया और मारा। अब देखिए इसमें काफी अकाउंट्स है, कुछ कहते हैं गोविंद राज ने मारा, गिरा दिया यहां पे महमूद अफगोरी को, बहुत मारा, कुछ बोलते हैं कि पूरी सेना को खत्म करके
पृथ्वीराज चौहान जब महमूद अकबरी को खत्म करने वाले थे तो महमूद अकबरी ने पैर पकड़ लिया कि मुझे छोड़ दो। और ये भी सही हो सकता है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया साम दाम दंड भेद, ये जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो महमूद अकबरी भाई फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में बुरी तरीके से हराया पृथ्वीराज चौहान। महमूद अकबरी एकदम तितर बितर, समझ ही नहीं आया हुआ क्या, हवा ही नहीं लगी, सुबह गए दोपहर तक बैटल खत्म ऐसा। तो भाई महमूद अकबरी एकदम चक्के में गया, ये क्या हो गया। लेकिन बड़ी गलती ये कर दी, वही एथिक्स पे हम चलते थे, कि पृथ्वीराज चौहान ने महमूद अकबरी को छोड़ दिया। महमूद अकबरी बोला कि जाओ माफ किया बेटा तुमको, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अब उस समय उनको भी नहीं पता था भाई ये वाकई में इतनी बुरी तरह कोई हारा है, इतना कमजोर दुश्मन है, क्या छोड़ दो। लेकिन महमूद अकबरी इंटेलिजेंट, वो गया और उसने फिर और स्ट्रेटजी पे काम किया। तो पृथ्वीराज चौहान को लगा सब कुछ ठीक हो गया है। एक दिन लेटर आता है महमूद अकबरी का, और एक दिन लेटर आता है और महमूद अकबरी साफ साफ ये लिखा रहता है कि भाई हम दोबारा अटैक करने आ रहे हैं। तो पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं, वो लेटर का प्लेन बना के उड़ा देते हैं कि ये पागल हो गया क्या, इतना मारा इसे समझ में नहीं आया, हमको धमकी दे रहा है कि हम आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान भी बहुत ही ब्राइट थे, कम उम्र में लेकिन बहुत ब्राइट थे, उनको समझ में आ गया था कि इस बार वो आ रहा है तो डेफिनेटली वो ऐसे नहीं, इसका कुछ मतलब है, ऐसे कोई पागल नहीं कि तुरंत ही एक साल बाद कह देगा कि इतनी बड़ी सेना से हम फिर भिड़ने आ रहे हैं। तो उसने पृथ्वीराज चौहान ने सबके साथ मीटिंग रखी, जितने भी राजा थे, और बोला कि चलो एक कॉन्फेडरेसी बनाते हैं और इस पर हमला करते हैं। सब मान गए, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ राजा पीछे हट गए, जिसमें जयचंद भी थे। जयचंद तो आए नहीं ऐसा बोला जाता है, बट इसमें दोस्तों ये बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट आए नहीं आए। 1192 में बैटल ऑफ तराइन हुई, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। द थिंग इज कि पृथ्वीराज चौहान को कोई हरा ही नहीं सकता था। महमूद अकबरी खुद मानता है कि भाई इट वॉज ये नहीं, अगर हम सीधे गए हम जीत ही नहीं सकते, हम नहीं जीत सकते, ये बिल्कुल तय है। तो हम क्या करेंगे, रात को लड़ते नहीं थे, रात को लड़ाई नहीं होती थी, ये रूल था, नियम होते थे, रात में हमला किया। महमूद अकबरी ने धोखे से रात में हमला किया, इसने पांच डिवीजन बनाए, चार डिवीजन को इसने कुर्बानी के लिए झोंक दिया कि जाओ मर जाओ जाओ। चार डिवीजन ने राइट लेफ्ट सेंटर से हमला किया। पृथ्वीराज चौहान औकात है, पृथ्वीराज चौहान ने मारा, बहुत मारा। अब महमूद अकबरी ने एकदम से ऑर्डर दिया, सेना पीछे हटो, पीछे हटने का ऑर्डर दे दिया सेना को, ठीक है, सेना पीछे भागने लगी। पृथ्वीराज चौहान की सेना को लगा हार गए, देखो हार गए, एक तो रात में भाई सब सो रहे थे, कैंप में आग लगा दी, तो एकदम से युद्ध लड़ना पड़ा, तब भी बहुत बहादुरी से लड़े, दिमाग खराब, दौड़ा लिया पृथ्वीराज चौहान की पूरी सेना ने दौड़ा लिया यहां पे, रोक ऐसे कि तैसे रोक घोड़ा पीछे दौड़ रहे मार रहे। लेकिन यही दिक्कत हो गई, जो लास्ट फिफ्थ डिवीजन था ना वो रिजर्व डिवीजन था, इट वॉज रिजर्व डिवीजन। तो इधर सेना जा रही है, पीछे से ये डिवीजन आ गया, ये लास्ट डिवीजन, पीछे से ये डिवीजन आ गया और इसने धोखे से पीठ पीछे वार करके पृथ्वीराज चौहान की सेना को बहुत क्षति पहुंचाई और अल्टीमेटली पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। अब पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, देखिए ये तो बहुत ज्यादा चांद बरदाई ने लिखा है और बहुत है, लेकिन देखिए उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड है, ठीक है, कि भाई क्या हुआ। कुछ कहते हैं कि वही मार दिए गए, कुछ कहते हैं कि नहीं उनको कैद कर लिया गया, कुछ कहते हैं कि महमूद अकबरी को भी बहुत हमला किया लड़ते लड़ते, लेकिन वो अभी डिस्प्यूटेड है। अब उसके बाद जयचंद ने मदद की नहीं, बैटल ऑफ चंदावर 1194 में लड़ी गई, जयचंद को हराया महमूद अकबरी ने, ऐसा बोला जाता है कि कुछ जयचंद और गोरी में भी डील हुई थी, लेकिन जयचंद को हरा दिया, खत्म। भारत में इस्लामिक रूल आ गया, इस्लामिक रूल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फ्रॉम 1192 ऑनवर्ड्स, सॉरी 1192 ऑनवर्ड्स इस्लामिक रूल आ गया। अब क्या हुआ, महमूद अकबरी को पता था कि हम जीत नहीं सकते, अभी तो भाई पृथ्वीराज चौहान अभी आगे जाएंगे तो साउथ भैया ये चालुक्याज हैं, चोलाज हैं, और इन सब से हम कहां से निपटेंगे, हमारी औकात नहीं है, पालाज है इधर। तो महमूद अकबरी दिल्ली पे तो आ गया, तो उसने क्या ना राजपाट जो है वो इन्हीं के रिलेटिव्स को सौंप दिया कि आप ही संभालो भैया, हमसे ना हो पाएगा। और जब महमूद अकबरी वापस जा रहा था तब उसको मार दिया गया, he was assassinated 1206 में। बट महमूद अकबरी का कोई बच्चा नहीं था, आपको बता दूं उसका कोई बच्चा नहीं था, तो अपने जो जितनी सेना थी, सेना इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती थी क्योंकि जो भी मिलता था सेना में, वो अपने जो गुलाम थे ना
ठीक है, महमूद अफगोरी ने बहुत सारे जो सेना उसको गुलाम पाले थे उनको अपना बच्चा मानता था, उसी में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, यही जाके स्लेव डायनेस्टी का पहला रूलर बना, ठीक है। अब वो कहानी हम स्लेव डायनेस्टी में जानेंगे कि क्या हुआ। तो डिससिमिलैरिटीज देख लीजिए कि महमूद अफ गजनी जो है वो हारा, वो कभी नहीं हारा, लेकिन महमूद अफ गोरी हारा, कई बार हारा, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार अपनी गलती से सीखा। गोरी जो है समझिए कि एक बार तो लगभग लगभग खत्म ही हो गया था, ठीक है, जब पृथ्वीराज चौहान की बात करें। और गोरी का जो इंटेंशन है वो साफ था कि हमको भारत में रूल करना है, हम भारत की वेल्थ को लूटने नहीं आ रहे। वही गजनी जो है था कि जब बैंक अकाउंट खाली होगा, जब हमारा अकाउंट, तो हम भारत की तरफ जाएंगे, तो खजाना भरने जाएंगे, ठीक है, ये चीज है। अब घोरी जो है, महमूद जो है, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था, और घोरी को वही हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों वही है कि दोनों में ही सिमिलैरिटीज मैंने आपको बताई कि दोनों को ही जिहाद फैलाना था, दोनों को ही इस्लामिक रूल को एस्टैब्लिश करना था। और मेन यहाँ पे चीज इस्लामिक रूल तो चलिए बाद में आता है, पैसा चाहिए था सबको, मेन पैसे की यहाँ पे बात थी। और वही है प्लंडरिंग वेल्थ ऑफ इंडिया, जो कि मैंने आपको बताया। महमूद गजनी थोड़ा सा सनकी टाइप था, ठीक है, लेकिन महमूद घोरी जो है वो थोड़ा सा समझदार था, उसको पता था कि रूल कैसे चलाना है, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, महमूद और घोरी ने टाउन्स और फोर्ट्स को, याद, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे महमूद अफ गजनी ने मंदिर वंदिर तोड़ा है, महमूद अफ गोरी थोड़ा सा इसमें रिलेक्टेंट था, उसने टाउन्स और फोर्ट्स पर कब्जा किया ताकि रूल को, प्रॉपर रूल को एस्टैब्लिश किया जा सके। अब अगली कहानी होगी स्लेव डायनेस्टी की। तो 1206 से लेकर 1290 तक क्या हुआ हम जानेंगे अगले लेक्चर में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ। इसी हफ्ते सैटरडे या संडे को मैं दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच।